हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज मैं फिर से एक हाईपिक्सल लाइक सर्वर का शोकेस करने वाला हूँ। एंड इस सर्वर का नाम है यार ब्लॉकचेन। एंड ये सर्वर भी यार काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो मैं आप लोगों को इस सर्वर में दिखाने वाला हूँ कि ये सर्वर कैसा है। एंड ये बिल्कुल हाई पिक्सल जैसा ही है। एंड मैं आप लोगों को पूरी की पूरी हाई पिक्सल की सारी सारी सर्वर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो भी सर्वर पसंद होगा इस उस पर आप लोग खेल सकते हो। बाय द वे यार, वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो यहाँ पे ये इसका स्पॉन है एंड आप लोग देख सकते हो स्पॉन इन्होंने काफ़ी सही बना रखा है। एंड यहाँ पे आई थिंक सो मैप लगाना बाकी, यहाँ पे ये लोग लगा देने वाले हैं। एंड अंदर की तरफ चलते थे, यहाँ पे देखो करेट वगैरह होती है, बट अभी इन्होंने ऐड नहीं करा बिकॉज इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। एंड अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो इसके अंदर बहुत जल्दी सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएगी। एंड सामने की तरफ आप लोग देख रहे हो यार, ये है एक्शन हाउस, जैसा कि मैजिक स्काई ब्लॉक में होता है। तो इस एक्शन वाले बंदे के पास भी देख लेते हैं कि इसने एक्शन में कोई कुछ लगा रखा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लगा रखा है, जैसे मैजिक स्काई ब्लॉक में होता है। एंड तीनों यार वही वाले बंदे हैं, तो आप लोग इधर से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे यार तो ये सर्वर जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये बाजार है, तो अपन लोग बाजार को भी चेक कर लेते। एंड जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि बाजार में आप लोगों को कम दाम पे चीज़ें वगैरह मिल जाती है, तो आप लोग यहाँ से शॉप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही मतलब कम दाम में आप लोगों को चीज़ें वगैरह मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम यार जैसा हाई पिक्सल यानी कि मैजिक स्काई ब्लॉक का जो सर्वर है गाइस, वैसा ही बना रखा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो माइनर शॉप है, तो माइनर शॉप आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। एंड यहाँ पे यार थोड़ा बहुत और हम लोग हब में घूम लेते हैं। एंड इसका हब बहुत ज़्यादा बड़ा है, सेम टू सेम यार मैजिक स्काई ब्लॉक का ही मैप है जो यार कॉपी कर रखा है, वैसा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार। एंड यहाँ पे चलते हैं इस वाले घर में मेरे को कोई तो दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कस्टम रेसिपी ये बता रहा है, जो कि यार यहाँ पे हमें आर्मर वगैरह एंड सॉर्ड वगैरह सारी चीज़ों की रेसिपी बताएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रेसिपी दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है गॉड आर्मर एंड यहाँ पे है माइनर आर्मर एंड सारे आर्मर यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पेज पे करोगे यार तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारे आर्मर है। एंड फिर से हम नेक्स्ट करते हैं एंड आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे आर्मर यहाँ पे हैं, यानी कि आप लोग को हर एक आर्मर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कस्टम क्राफ्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे रख के आप लोग आइटम्स को क्राफ्ट कर सकते हो। यहीं पे देख सकते हो रेसिपी एंड इधर क्राफ्ट कर सकते हो। एंड फिलहाल यार अभी तो हम लोगों ने घूम लिया एंड और भी बहुत सारी चीजें वो आप लोग देख लेना। एंड यहाँ पे आके यार आप लोग अपना जो आइलैंड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों का जो आइलैंड का नाम है वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ जल्दी से अपना आइलैंड का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं GWM का वर्ल्ड ही डाल देता हूँ। नॉर्मली यार डी लगाना भूल गया मैं, तो हाँ अभी सबमिट कर दिया। एंड बेसिक आइलैंड है, नॉर्मली आप लोगों को क्लिक करके यार इस आइलैंड को ज्वाइन कर लेना है, ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई आइलैंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बना रखा है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे पानी है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ सीट वगैरह लगा रखे। एंड नीचे की तरफ केव है, आई थिंक सो यहाँ पे एक चेस्ट होगा। तो देख सकते हो यार यहाँ पे एक चेस्ट है एंड इसके अंदर आप लोग सॉर्ट देखने को मिल जाएगा एंड थोड़े बहुत फूड वगैरह देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोग यहां से ले सकते हो। एंड काफी सही सर्वर यार, ये एकदम न्यू सर्वर है जिसकी वजह से ये सर्वर बिल्कुल भी लैग वगैरह नहीं। एंड यहां पे भी आप लोगों को किट देखने को मिलता है, तो आप लोग लिख रहे हैं स्लैश किट एंड आपके सामने एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा, तो आप लोगों को चले जाना है ऊपर वाले पे एंड यहां पे देख सकते हो गाइस किट। तो ऐसा आप लोग मंथली किट ले लेना जिससे कि आप लोगों को ओपीओपी आइटम्स वगैरह मिल जाए, मींस यार डायमंड्स के आर्मर वगैरह आप लोगों को मिल जाए। तो यहां से आप लोग डायमंड के आर्मर इक्विप कर सकते हो एंड यहां पे देखो मैंने इक्विप कर लिया। एंड अभी अपना काम क्या है गाइस, अभी मुझे उस तरफ जाना है बिकॉज उस तरफ आई थिंक सो एक मिनियन होना चाहिए। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैंने कट कर लिया है। एंड अभी मुझे बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल जिसमें मैं बनाऊंगा स्लैब एंड स्लैब से यार उस तरफ जाने का ट्राई करेंगे। एंड उस तरफ भी आई थिंक सो एक मिनियन देखने को हमें मिलेगा जो कि हमारा नॉर्मल मिनियन होने वाला है कॉबल स्टोन का। तो देखते हैं यार वहाँ पे भी जाके एंड वहाँ पे जैरी भी खड़ा है। तो जल्दी जल्दी यार यहाँ से मुझे एक एक ब्लॉक लगाना है एंड ये देखो यार लास्ट ब्लॉक है एंड ये डन हो चुका है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टर मिनियन, ओके तो यहाँ पे ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो मिनियन जो है कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड इसके ऊपर ही मैं आप लोगों को मिनियन लगा के दिखा देता हूँ मिनियन यहाँ पे कैसा दिखता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मिनियन काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखता है, जैसे कि यार पिक्सल क्राफ्ट होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एंड इसने देखो यार बिल्कुल अपना काम करना भी शुरू कर दिया, यहाँ पे देखो इसने स्पॉन भी कर दिया। एंड ये रहा यार पोर्टल जिसमें आप लोग हब में जा सकते हो। एंड ये देख सकते हो जेरी, तो जेरी आप लोगों को अचीवमेंट आइलैंड सेटिंग एंड आइलैंड के बारे में सारी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बता देगा, तो आप लोग यहाँ से देख लेना। फिलहाल मैं आप लोगों को नेदर स्टार में दिखा देता हूँ यहाँ के फीचर्स वगैरह की, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें
चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं बैंक में। तो बैंक में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को डिपॉजिट, विदड्रॉ एंड ट्रांजेक्शन का देखने मिल जाता है, जिससे आप लोग किसी को ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। तो ये आप लोग का बैंक का सीन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड नेक्स्ट चीज आप लोग एक्शन हाउस, तो एक्शन हाउस तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी आप लोग एक्शन हाउस में देख सकते हो क्या सारी चीजें बिक रही है एक्शन हाउस के अंदर। एंड चलो मैं आप लोगों को एक्शन हाउस के अंदर सेल भी करके दिखाता हूँ। तो सेम टू सेम आप लोगों को जैसे पिक्सल क्राफ्ट में होता है ना एएच सेल एंड प्राइस, तो ऐसे ही आप लोगों को डाल देना है एंड आपका जो आइटम का जो सेल हो जाएगा। चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वर्क बेंच यानी कि कस्टम क्राफ्टिंग टेबल है, जहाँ पे रख के आप लोग इंचेंटेड आइटम एंड मिनियंस वगैरह क्राफ्ट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड यहीं पे आप लोगों को देखने मिल जाता है मिनियन शॉप। तो अपन लोग मिनियन शॉप को भी देख लेते हैं। यहाँ पे माइनिंग मिनियन, यहाँ पे देख सकते हो प्राइस वगैरह काफी ज्यादा मतलब कम है यहाँ पे मिनियंस के, जो कि काफी ज्यादा सही है। एंड यहाँ पे ग्राइंडिंग जो है वो काफी ज्यादा इजी, आप लोगों को हार्ड ग्राइंडिंग करनी नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे पोशन शॉप है, तो पोशन शॉप अपन लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज पोशन शॉप में हम लोगों को क्या ही मिल जाएगा। तो अभी इंचेंट शॉप देख लेते हैं। तो इंचेंट शॉप में आप लोग जैसे ही आओगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे इंचेंटमेंट हैं। ये सारे सारे इंचेंटमेंट आप लोग यहाँ से ले सकते हो, जो कि यार आप लोग उसके बदले पैसे देने पड़ जाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज यार यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं देखेंगे शॉप। तो शॉप के अंदर आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाता है, जैसे कि होता है ना मैजिक स्क्वायर ब्लॉक एंड अदर हाई पिक्सल लाइक सर्वर में, तो सारे सारे शॉप में तो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से शॉप वगैरह देख लेना। एंड चलो मैं आप लोगों को और भी सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखने मिलता है रेसिपी बुक, तो इसके अंदर आप लोग को सारी सारी चीजों की रेसिपी देखने को मिल जाएगी। तो चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इंचेंटेड आइटम की रेसिपी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यार यहाँ पे हर एक इंचेंटेड आइटम की रेसिपी देखने को मिल जाती है, जैसे कि डायमंड, एम्ब्रल, कॉबल स्टोन एंड बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी रेसिपी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। एंड जैसे आप लोग इसको लेते हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई 8 डायमंड को 5 तरफ ऐसे रखो, तो आप लोगों को डायमंड का एक जो इंचेंटेड वाला है वो मिल जाएगा, जो कि काफी इजी ग्राइंडिंग है। एंड चलो मैं आप लोगों को ना थोड़ा और स्पॉनर एंड यहाँ पे मिनियन, तो एक काम करता हूँ मिनियन की रेसिपी दिखा देता हूँ। तो मिनियन में हम लोग देखेंगे डायमंड की रेसिपी, क्योंकि यार डायमंड का मिनियन ही सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो उसी का मैं आप लोगों को रेसिपी दिखा देता हूँ। तो ये रहा यार डायमंड का मिनियन, एंड आप लोग देख सकते हो 32 आप लोग यहाँ पे रखोगे तो आप लोग को मिनियन मिल जाएगा। एंड इसका मतलब ये है यार, यहाँ पे आप लोग को 4 स्टैक कोई भी चीज क्राफ्ट करने के लिए आप लोग को 4 स्टैक चाहिए होंगे, एंड मैजिक स्काई ब्लॉक में 8 स्टैक चाहिए होता है, जो कि यार यहाँ पे इजी है। एंड यहाँ पे आप लोगों को कस्टम टूल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि है यहाँ पे सॉर्ड वगैरह, जिससे कि आई थिंक इसके अंदर कुछ अलग पावर भी होने वाली है। सो गाइस मैंने इस सफर में आप लोग को हर एक चीज दिखा दी, एंड आप लोगों में से काफी सारे लोग मेरे को ये बोलोगे कि भाई आपने फार्म, माइन, फॉरेस्ट वगैरह तो दिखाया नहीं। तो वो इसलिए नहीं दिखाया यार कि वो हर जगह सेम ही होता है, एंड मैं नहीं चाहता यार कि आप लोगों को दिखा के मैं बोर करूं। एंड उसमें आप लोग ढूंढ लेना, आप लोगों को फास्ट ट्रैवल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग माइन एंड फोर्ट्रेस वगैरह जा सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग मुझे कमेंट बताना कि ये वाला सर्वर कैसा लगा। आई थिंक सो ये वाला सर्वर काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये एक न्यू सर्वर है एंड आप लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए, एंड बिल्कुल लैग फ्री है। सो गाइस मैं मिलता हूं किसी और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।